नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इसी के चलते अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत मेलाघाट क्षेत्र में घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने सीएम धामी का विभिन्न तरीकों से जोरदार स्वागत और सत्कार किया। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि उनका वोट देश के विकास के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ में सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान करना है। सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। मेरा सबसे अपील भी है कि बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से और ख़ास कर से जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं नौ मतदाता, उन सबसे मैं कहूँगा कि भारत की सरकार बनानी है, लोकतंत्र का महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सबको शामिल होना है, सबको अपनी आहुति देनी है। और हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत अधिकाधिक हो और मतदान अधिकाधिक होगा तो निश्चित रूप से सरकार बनाने में हमारी भागीदारी अधिक। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर बीजेपी सतर्क हो गई है, क्योंकि बीजेपी को आशंका है कि मतदान से पहले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले कुछ असामाजिक तत्व चुनाव प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने अपनी सतर्कता टीमों को विधानसभा में सतर्क रहने के निर्देश भी दे दिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने पूर्व में ही ऐसी टीमों को सतर्क कर दिया था। लास्ट नाइट का टारगेट रहेगा आप लोग, क्या टास्क रहेगा आपका? लास्ट नाइट सभी जगह पर हमारे जो बूथ की पोलिंग की टीम है वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व आखिरी रात में अपना खेल करने की कोशिश करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सतर्क रहने पर इस प्रकार के लोकतंत्र को बदनाम करने वाली चीजें रोकी जा सकती है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। तो वही अगली खबर धारचूला से है, जहां ब्यास घाटी के ग्रामीणों ने हेली से यात्रा कराने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हेली से यात्रा कराकर स्थानीय लोगों का रोजगार छीनने की बात कहकर ग्रामीणों ने रोष जताया। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पर्यटन विभाग के द्वारा धार्मिक आस्था को हम ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो कि हम नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि आदि कैलाश के कपाट अभी तक खुले नहीं है, फिर भी पर्यटन विभाग पहले ही हेली से आदि कैलाश के दर्शन करा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी बैठक बेनतीजा रही, जिसके चलते ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे डाली। वहीं आदि कैलाश मंदिर के पुजारी ने बताया कि कपाट खोलने से पहले हेली से यात्रा कराई जा रही है, जिसका दुष्परिणाम जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। हेली यात्रा जो शुरू हो रहा है प्रेगनेंट दृष्टि से, तो उनसे बात ही की गई, उनकी कुछ जो पॉइंट उठाए गए थे उन सारे भी विचार विमर्श किया गया और यही बात हुई कि आपस में बात भी किया जाएगा। अभी जो प्रोग्राम हुआ है वो ट्रायल फेज में है, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही आगे उस प्रोग्राम उस जो हमारा जो हेली यात्रा है उसकी जो आगे की कंटिन्यूटी है उस ट्रायल फेज के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। तो यही बातें रखी गई गाँव के गाँव वालों के साथ, तो यही बातें रखी गई कि ये चुनाव बहिष्कार की जो बात हुई थी तो उसमें ये बातें रखी गई कि इसे कोई चुनाव बहिष्कार न किया जाए और जितनी भी शंकाएं थी उनके सारे भी विचार। हमारा परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बृहद बैठक हुई थी, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और जिसके तहत हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि हमारा जो चुनाव बहिष्कार का निर्णय था उस पर हम अड़े हैं और चुनाव बहिष्कार ही होगा। तो आदि कैलाश की जो यात्रा है वो धार्मिक यात्रा है और जिस तरीके से उत्तराखंड टूरिज्म और कुमाऊं मंडल यात्रा करने जा रही है वो कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पर जो हमारे विधि विधान है पौराणिक काल से ही हम लोग जो
पहले पूजा पाठ करके उसके बाद कपाट खुलते हैं। उस विधि विधान को भी उन्होंने दरकिनार किया है और आदित्यनाथ के कपाट खुलने से पहले ही उत्तराखंड टूरिज्म महामंडल निगम और टिप्पू टेम्पल यात्रा करने के लिए जल्दीबाजी कर। तो हेली सेवा का विरोध किया जा रहा है ब्यास घाटी में। अब ये जो नया बखेड़ा खड़ा हो गया है हेली दर्शन से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इसका दुष्परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा और ये ठीक नहीं है। मंदिर के पुजारी ने भी इसका कहा कि इससे ये दुष्परिणाम की चेतावनी। तो ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ बैठक की लेकिन बैठक फिलहाल बेनतीजा रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और ये जो विरोध है ग्रामीणों और अधिकारियों में ये खुलकर सामने आ गया है। और अब किसान ये कह रहे हैं कि हम चुनाव यानी जो कल वोटिंग होनी है उसका बहिष्कार करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से ग्रामीणों में ये मनमुटाव देखा जा रहा है, ग्रामीणों की ये शिकायत है और अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है हेली दर्शन कराने को लेकर, क्या ग्रामीणों का पक्ष है, क्या वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं और अधिकारी वो समझ नहीं रहे हैं, क्या यही वजह है कि बैठक बेनतीजा रही? अभय आप सुन पा रहे मुझे? तो अभय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और इस बैठक ये जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। आदि कैलाश के हेली दर्शन कराने का विरोध हो रहा है। हेली दर्शन से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मंदिर के पुजारी ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। तो ब्यास घाटी में अब ये जो नया बखेड़ा खड़ा हुआ है ये अब खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ ग्रामीण और एक तरफ अधिकारी है और दोनों में एक मनमुटाव देखने को मिला है। ग्रामीणों का ये पक्ष है अपना कि जिस तरीके से हेली दर्शन कराया जा रहा है इससे जो है वो भारी नुकसान होगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी आस्था का ये सवाल है। और इसी के एवज में बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, जिस तरीके से ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है हेली दर्शन करने को लेकर, क्या ग्रामीणों का पक्ष है, एक तो ये बताइए, और दूसरा ये कि अधिकारी अपनी बात क्या रखना चाह रहे हैं जो अभी तक उनके बीच में जो मनमुटाव है वो बना हुआ है। बात है कि धारचूला जो तहसील है ये राज्य के सबसे सीमांत तहसील है जो सीधे नेपाल बॉर्डर से लगती हुई है। वहां पर जो अधिक की जो यात्रा शुरू की गई है हेलीकॉप्टर से जो दर्शन की यात्रा पर्यटक विभाग के तरफ से शुरू की गई है उसका ग्रामीण लगातार विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध की दो वजह है। सबसे पहले ये की आदि के इलाज की इस यात्रा हेली से जो यात्रा हो रही है उसके होने से जो वहाँ के जो स्थानीय जो पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रोजगार का बुरा असर वहाँ पर पड़ा है। दूसरा ग्रामीणों के जो विरोध का जो है जी। अभय आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है जहां मुख्य चुनाव अधिकारी वीबीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में जरूरी सेवा से जुड़े सभी विभागों और एजेंसियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि वोटिंग के दिन वोटिंग खत्म होने तक सभी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। इसके अलावा बिजली और पेयजल आपूर्ति से जुड़े संबंधित विभाग सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो उत्तराखंड में पांचों सीटों पर कल मतदान होना है जिसके चलते तैयारी पूरी कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के दूरस्थ मतदान केंद्र पहुंचकर मसरास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून ने लोगों से बात कर निडर होकर निष्पक्ष चुनाव और वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल, पुलिस जवान, होमगार्ड, पीआरडी और फॉरेस्ट गार्ड तैनात कर दिए गए। प्रदेश भर में 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं।
प्रदेश में सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव पूरा करवाने को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने, सुनिए। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने हैं, इसकी तैयारियों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन सर। सर, किस तरह से तैयारियां हैं पुलिस की अगर बात की जाए, प्रदेश में पहले चरण में ही चुनाव होने? देखिए, जो आपने सही बताया कि कल जो प्रथम चरण में हमारा चुनाव है उत्तराखंड में, और इस संबंध में माननीय चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में सारी तैयारियां की गई हैं। इसमें सबसे पहले एक फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हम बनाते हैं। करीब 40,000 अधिकारी और कर्मचारी हमारे राज्य के और बाहर के होमगार्ड्स को मिला करके हैं, और इसके अलावा 65 कंपनियाँ CAPF की हम लगा रहे हैं, जो कि विभिन्न गंतव्य पर पहुँच रहे हैं। P-3, P-2, P-1 में हमने फोर्स को डिप्लॉय किया है। आज आखिरी चरण में लोग जा रहे हैं, आज जो फोर्स पोलिंग पार्टीज जो है आज जा रही हैं और शाम तक पहुंच जाएंगी, और पूरी जो तैयारी है सुरक्षा की वो माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उन्हीं के अनुरूप की गई है। सर, अगर बात की जाए संवेदनशील इलाके भी होंगे, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या ड्रोन्स वगैरह की मदद ली जा रही है? एक्चुअली आपने सही कहा कि बहुत सारे संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, और वहाँ पे जो सुरक्षा के नॉर्म्स है उनके अनुसार ही सुरक्षा को लगाया गया है। वहाँ पे हम CAPF की जो सेक्शंस हैं उसको लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इस बार ड्रोन को भी इस्तेमाल किया है और व्यापक रूप से CCTV को भी इस्तेमाल किया है, खास करके इंटरस्टेट बॉर्डर हमारे 93 है, 93 इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं उस पर लगाए हैं। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी पड़ता है, आप जानते हैं, नेपाल के साथ में और चाइना तिब्बत के साथ में, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की भी सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कल कोई व्यवधान पैदा न हो। सर, अगर बात की जाए बॉर्डर्स में, आपने जिस तरह से बताया कि वहाँ पर सुरक्षा रखी गई है, वहीं अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन साथ साथ जो बस अड्डे हैं और जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि वहाँ भी नकदी वगैरह पकड़ी जाती है, इस तरह की समस्या? आपने बिल्कुल सही कहा, लगातार जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है और उससे पूर्व भी हम लोगों ने टीमें वहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी, खास करके जितने भी हमारे नाका हैं, बैरियर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, सब जगह पे व्यापक रूप से चेकिंग की जा रही है। जो भी इलीगल कैश ओवर हमने काफ़ी सीज किए हैं, और आप जानते ही हैं कि बहुत सारे हमने इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जितने भी लाइसेंस वेपन्स होते हैं उनको भी डिपोजिशन की कार्रवाई होती है, वो सब भी हमने पूरे कर लिया है। सर, अगर बात की जाए अब तक कितने नकदी पकड़ी गई है और शराब? करीब 9 करोड़ मूल्य के सभी ये सामान सब पकड़े गए हैं, करीब 3 करोड़ का कैश ही पकड़ा गया है अभी तक, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उसको हम काउंट करते हैं 16 तारीख के बाद का, तो जो उत्तराखंड राज्य के अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। सर, अगर बात की जाए ड्रग्स की, क्योंकि अगर बात की जाए ड्रग्स में तो 75 लाख 2019 में पकड़े गए थे चुनाव के वक्त, और अगर 2024 की बात की जाए तो करीब इनका आंकड़ा करोड़ों में है, तो क्या लगता है कि ड्रग्स की जिस तरह से बढ़ती हुई लग रही है, इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह का जो वैल्यूएशन होता है डिवैल्यू हो जाती है ना, थोड़ी डिप्रिशिएशन लाख के मूल्य के ड्रग्स पकड़े गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में पिछले साल के मुकाबले के अनुसार ही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं उसमें है, लेकिन ये एक लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके संबंध में लगातार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये आप जानती हैं फोर्स, तो ये लगातार सर वोट के लिए क्या कहना चाहिए? एक अपील करना चाहता हूँ आप सभी को कि लोकतंत्र हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। हमें अपने वोट को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए और इसमें कोई उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। मैं आपके मार्फत से अपनी जनता को अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जरूर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। ये थे ADG लॉ एंड ऑर्डर AP अंशुमन सर, उनका कहना है कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है और कल जिस तरह से चुनाव होने हैं उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो वही मतदान दिवस के दिन सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले रहेंगे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया।
करेंगे अगली खबर की ओर। जनपद चमोली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में बद्रीनाथ विधानसभा की 194, थराली विधानसभा की 185 और कर्णप्रयाग विधानसभा की 165 के साथ साथ कुल 544 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ पुलिस मैदान और स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। सभी पार्टियां अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी। 40 पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने मतदान स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। जिला चुनाव अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों को शुभकामनाएं देते हुए चुनाव की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से पूरा करने के निर्देश दिए। अप्रैल को मतदान की तिथि है, उसके लिए जो हमारे दूरस्थ बूथ हैं पूरे जनपद में 40 पोलिंग पार्टियां थी जो 17 अप्रैल को रवाना हुई थी, वो सभी सकुशल शाम को पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग 544 हमारे बूथ हैं उनकी पोलिंग पार्टी आज रवाना हुई। खबर डोईवाला से है, जहां टीवी सीरियल के अभिनेता और अभिनेत्री ने लोकसभा चुनाव पर भाग लेने की अपील की। टीवी सीरियल और फिल्म अभिनेता करण शर्मा और उनकी पत्नी अभिनेत्री पूजा शर्मा ने अपील करते हुए देश की खुशहाली और तरक्की के लिए लोकसभा चुनाव का हिस्सा बनकर वोट जरूर करें। उन्होंने कहा कि एक एक वोट देश के लिए बहुत जरूरी है। चले नमस्ते आप सभी को, और मैं स्पेशली सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक नागरिक को जिसके पास वोटर आईडी है, जो 18 प्लस है, अभी सबके पास वोटर आईडी है, सो आप प्लीज जाए और वोट करें, बिकॉज आपकी एक वोट से, आपकी एक सेंसिबल वोट से हमारी कंट्री का भविष्य जुड़ा हुआ है। सो प्लीज जाए, वोट करें एंड हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की ओर, तरक्की की ओर लेकर चले। सो वी बोथ स्पेशली रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के विनती है, अपने घर से निकले उस दिन, आलस ना करें और जाए और वोट करें। थैंक यू सो मच। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां चुनाव और शादियों के सीजन के चलते गाड़ी न मिलने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घंटों तक सड़कों पर गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग में थराली, आदि बद्री, नोटी, गोपेश्वर, गोचर जैसी जगहों पर जाने के लिए लोगों को वाहन न मिलने के कारण खासा परेशानी हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के साथ साथ शादियों के सीजन के चलते ज्यादातर वाहन बुक है, ऐसे में सड़कों पे वाहनों की कमी हो गई। दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, आए हम नोट जाना है, 1 घंटे हो गए यहाँ पर, गाड़ी नहीं मिला, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, आए हम नोट जाना है, 1 घंटे हो गए यहाँ पर, गाड़ी नहीं मिला, दिक्कत बहुत। तो वही पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में घरों में सप्लाई किए जाने वाले गैस सिलेंडर में कम गैस निकलने का मामला लोगों ने पकड़ा हुआ है। मसूरी में इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से मसूरी में ठेकेदारों के माध्यम से घरों में गैस सिलेंडरों को बांटा जाता है। गैस एजेंसी के अधिकारियों की मिलीभगत से मसूरी में गैस सिलेंडरों में 2 से लेकर 3 किलो कम गैस भरी जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। स्थानीय लोगों ने एजेंसी संचालकों पर आरोप लगाया है कि वहीं एजेंसी संचालकों का अपना पक्ष रखते हुए उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में गैस एजेंसी की कोई मिलीभगत नहीं। आज ये जो है गैस, इंडियन गैस द्वारा यहाँ पे घटतौली का मामला सामने आया है, और पिछले 1-1.5 महीने से लगातार हमारे पास लोगों की कंप्लेंट आ रही थी। कई लोगों ने हमें बोला कि ये गैस कम आ रही है, तो हमने विभाग को भी सूचित किया, लेकिन विभाग ने गोलमोल सा रवैया दिखाते हुए बात को रफा दफा कर दिया। आज जब पुनः हम सुबह अभी यहाँ पे गुरुद्वारे पे हम खड़े थे, तो यहाँ पे अभी 3 सिलेंडर गुरुद्वारे के लिए लिए गए, और एक और हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी सिलेंडर लिया। चारों सिलेंडर में किसी में 3.5 किलो, किसी में 2.5 किलो गैस कम है। जब हमने अपने मैनेजर साहब से संपर्क करने की कोशिश करी, तो मैनेजर साहब ने भी एक गोलमोल का रवैया बताते हुए कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, ये कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा रैकेट है जो मसूरी में चल रहा है। अमूनन देखिए, कोई भी घरेलू उपभोक्ता कभी गैस को तोलता नहीं है, लेकिन कई दिनों से हमारे रेडार पे थे, इसीलिए आज हमने स्पेशल इनके गैस को तोला और पाया कि प्रत्येक सिलेंडर में 3 से 4
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।